यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा कि अगर जरूरत हुई तो अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए कानून बनाया जा सकता है। बीजेपी की ओर से यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खुलकर कह दिया है कि बीजेपी संसद में राम मंदिर के लिए कानून लाएगी। उन्होंने कहा, अगर जरूरत पड़ी कि संसद में बिल लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है तो मुझे पूरा भरोसा है कि संसद के दोनों सदनों में हमारे पास पर्याप्त संख्या बल होने पर ऐसी स्थिति में बिल लाया जाएगा। वर्तमान में हमारे पास संसद में पर्याप्त संख्या बल नहीं है। अगर हम लोकसभा में बिल ले भी आते हैं तो राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं है और वहां हमारी हार होगी। भगवान श्री राम के सभी भक्त ये जानते हैं, लेकिन जिस दिन हमारे पास ताकत होगी उस ताकत का सदुपयोग होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। इससे पहले राम जन्मभूमि न्यास ऐलान कर चुका है कि 2019 से पहले ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं किया जाएगा।